नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से नव निर्वाचित भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने फतेहाबाद में निकाला रोड शो। पूरे शहर में विभिन्न बाजारों से रोड शो निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, 3 लाख मतों से अधिक हुई है जीत। मेडिकल कॉलेज और कृषि से संबंधित इंडस्ट्री लगवाना रहेगी प्राथमिकता। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। सिरसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद में पहुंची और जोरदार तरीके से रोड शो कर मतदाताओं का आभार जताया। भाजपा के चुनाव कार्यालय से शुरू हुआ रोड शो शहर के जीटी रोड, लालबत्ती चौक, फवारा चौक, जवाहर चौक होता हुआ वापस पहुंचा। रोड शो के दौरान शहरवासियों ने दिल खोल करके सुनीता दुग्गल का स्वागत किया। रोड शो के रास्ते में समर्थकों व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से रूबरू होते हुए सुनीता दुग्गल ने इलाके में 18 लाख मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं का भाजपा पर और मुझ पर विश्वास है, जिस प्रकार से 3 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाया है, वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि इलाके के बारे में अपनी प्राथमिकता बताते हुए बोली, इलाके का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी कि पूरा इलाका नशा मुक्त हो। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे और युवाओं के लिए योजनाएं लाई जाएंगी ताकि युवा अपनी एनर्जी का सकारात्मक उपयोग कर सकें। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और उद्योग स्थापित करवाने के लिए 100% प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा फतेहाबाद सहित सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है, जिनका प्रयास होगा कि इन सुविधाओं को जल्द से जल्द और शीघ्रता से जनता तक पहुंचाया जा सके। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। बहुत एक अच्छी जीत हासिल की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आगे की जो रणनीति है, जो आगे का आपका प्लानिंग है सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सभी लोगों ने हृदय से स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व को हरियाणा में सभी लोगों ने स्वीकार किया है, उसी पर ये मोहर लगाई है। जो 3 लाख से भी ज्यादा की जो है यहाँ से लीड जो दी है, मैं सभी मतदाताओं का 18 लाख जो हमारा मतदाता सीखा लोकसभा का, उनका सभी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ साथ सभी संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं का, पदाधिकारियों का, सभी का तहत से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं उनको ये उम्मीद दिलाना चाहती हूँ कि जिनका अपेक्षा उनके साथ उन्होंने यहाँ से सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ऐसा क्या करने जाएंगे जो लोग याद रखें कि भाजपा पहली बार यहाँ आई और कुछ करके गए? और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ सके, इसके साथ और यहाँ पर कृषि से संबंधित कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आए, उद्योग आए, इस तरह की मेरी कोशिश रहेगी। मैं जहाँ तक भी कामयाब हो सकूंगी मैं कोशिश करूंगी अपने तरफ से पुरजोर, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि यहाँ पर जो है बड़े कुछ ना कुछ इस तरह की योजनाएं जो है केंद्र की जरूर आएगी। सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फतेहाबाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ ना तो कोई कॉलेज है और ना कोई इंडस्ट्री है, तो उस तरफ आपका क्या रहने वाला है? नहीं देखिए, मैंने तो ये नोटिस किया है कि पूरी सिरसा लोकसभा ही जो है इन सब चीजों से वंचित है, तो हम कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे कि पूरी सिरसा लोकसभा को उसका फायदा मिले। तो मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि लोग याद रखें और लोग ये कह सकें कि सिरसा लोकसभा के लिए हमारी बहन जी सुनीता दुग्गल ने खास काम किया और केंद्र की योजना लेकर आई। थैंक यू।